Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon sir. कैसे हो सर? ठीक हो? Yes sir. Holidays आ रही है? Yes sir. Excited? Yes sir. ठीक है. इससे पहले कि आप holidays पे जाओ और उनको enjoy करो, festive seasons को enjoy करो, मैं आपके सामने एक घंटे के लिए लाइफ को लेके बातें करने वाला हूँ. मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लोगों को क्यों नहीं आता, वो आप लोगों के साथ मैं क्या ही तो शेयर करूँगा. लेकिन हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो आपके ओवरऑल 360 डिग्री होलिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात करने वाले हैं. और जो मैं बातें करूँगा आप शायद उसको रिलेट कर पाओगे और आप देखोगे भी कि अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया तो आपका एकेडमिक्स जो प्रोग्रेस है वो भी बढ़ जाएगा, आप अपनी स्टडी में भी अच्छा कर पाओगे. ऑब्वियसली अपनी लाइफ में तो अच्छा करोगे ही करोगे, क्योंकि 11th 12th के बाद भी तो लाइफ है, राइट? आप कॉलेज जाओगे, आपके कुछ ड्रीम्स हैं कि मेरे को उस कॉलेज से आगे मेरे को अगली स्टडीज करनी है, वहां पे जाके मेरे को एक अच्छी कॉर्पोरेट ऑफिस में एक लीडरशिप पोजिशन पे जाना है, या मेरे को कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है, वहां पे आगे अपना करियर परस्यू करना है, कुछ स्टूडेंट्स का होगा मेरे को आर्मी में जाना है, कुछ भी होगा, उन सब चीजों के लेके आपका जो गोल होगा उसमें आपको आज का एक घंटा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. आर यू विद मी? यस सर. एनर्जी दिखाओ. आर यू विद मी? यस सर. गुड. मैं एक स्टूडेंट सक्सेस कोच हूं, बट यू कैन टेक मी एज एन एल्डर ब्रदर ऑफ योर स्टूडेंट, ऑलराइट? और मैं एक मिशन पे हूं टू ट्रांसफॉर्म मिनिमम 1 million students to overcome from their limiting self-belief or weak self-image. हम बात करेंगे उसके बारे में कि limiting beliefs क्या होते हैं और weak self-image क्या होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे. उन 1 million students को अगर सिर्फ दो चीजें weak self-image और limiting beliefs इनके ऊपर काबू पा लिया तो आपका जो mindset हो जाएगा वो एक lion के जैसा हो जाएगा या lioness के जैसा हो जाएगा. पता है ना शेर का माइंड सेट कैसा होता है, उसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, आराम से नहीं मिली तो झपट के ले लेगा. और उसके बाद आपकी कॉलिंग क्या है, कॉलिंग इन द सेंस आपका पर्पस, आपका गोल लाइफ में क्या है. देखो करियर बन जाए, लेकिन करियर के आपने देखे होंगे ना बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल आदमी होते हैं जो अपने करियर में टॉप पे होते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हो, उनका बिहेवियर देखते हो ना, तो वो ठीक नहीं लगता उनको. जैसे जैसे वो लोग हाइट पे पहुंचते जाते हैं उनके पास नेम फेम नाम जैसा बड़ा बनता जाता है, उसके बातें उतनी छोटी होती चली जाती है, उनका बिहेवियर वो छोटे लोगों को ऐसे देखने लग जाता है जैसे ये कुछ है ही नहीं, राइट? तो हम उन सब चीजों से बच के कैसे ऊपर बढ़ाएंगे, मैं आपको हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए ये पूरा का पूरा एक घंटा इसी के लिए डेडिकेटेड है. बिफोर वी मूव ऑन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी ए ड्रीम स्टूडेंट फर्स्ट. नाउ when I am saying कि dream student, that means you need to empty your cup. आपको बहुत सारी चीजें unlearn करनी पड़ेगी कुछ नया learn करने के लिए. आप सबके mind में कुछ न पहले से ही बैठा हुआ है, ये क्या बता रहे हो, मेरे को पहले ही आता है. वो सब चीजें छोड़ के सिर्फ एक घंटा आपको ऐसे बैठना है जैसे आपको कुछ नहीं पता और आप यहाँ से बहुत सारे नॉलेज जो कि लाखों रुपए जितना है वो लेके अपने घर जाओगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ लेके गया. और आप ये सारी लर्निंग्स और नॉलेज जो आज यहाँ से लेके जाओगे अपने भाई बहन पेरेंट्स फ्रेंड्स सबके साथ शेयर भी कर सकते हो. तो उस ड्रीम स्टूडेंट बनने के लिए आपको एक घंटा अनलर्न करना होगा जो भी आप पहले से सीख के बैठे हो. आपका माइंडसेट ये होगा ना कि आई नो इट ऑलरेडी, उस जोन से बाहर आना पड़ेगा. ऑलराइट? यस सर. आर यू रेडी? यस सर. आर यू ड्रीम स्टूडेंट? यस सर. वेरी गुड. If you want to turn your dream life into reality, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है आपने कभी तो विजुअलाइज किया होगा ना कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, मेरे पास इतनी बड़ी घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए. लेकिन उन सब के लिए यू मस्ट बिकम ए ड्रीम स्टूडेंट फर्स्ट. ड्रीम स्टूडेंट बनोगे तभी सीखोगे और तभी उनको इम्प्लीमेंट करोगे सभी लर्निंग्स को. ऑलराइट? तो ड्रीम स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है कुछ भी नया सीखने के लिए. अपने आप को पूरा डेडिकेटेडली उस एक घंटे के लिए दे दो, उसके बाद यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ.
ऑलराइट, जस्ट वन आवर। अभी आपको पता है कि हम लोग धीरे धीरे बहुत वीक होते जा रहे हैं, वीक इन द सेंस फिजिकली, राइट, मेंटली, मेंटली वीक हो रहे हो आप, मानते हो इस चीज को? हमारे अपने पेरेंट्स कुछ आपको पुराने किस्से बताते होंगे कि हमारे टीचर ने उनको मार दिया, उसने डांट दिया, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अगले दिन आके फिर वैसे वैसे मुंह आगे चले जाते थे। आज की डेट में अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को जोर से आवाज में भी बात कर देता है तो ना स्ट्रेस में आ जाता है। अब मानते हो चीज, वो अपनी यू नो रिस्पेक्ट पे बात ले जाते हैं, अपने स्टीम पे बात लेके चले जाते हैं, सेल्फ प्रेस्टीज एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है उनके लिए कि सबके सामने टीचर ने मेरे को डांट कैसे दिया, अकेले में बुला के नहीं बोल सकता था। ये हमारी वीक मेंटेलिटी का एक सिम्टम है, मानते हो चीज आप, है ना? ये एक एग्जाम्पल, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम वीक सेल्फ क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले हमारी इमेज खुद की वीक है। वीक सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है? आप अपने बारे में क्या सोचते हो वही आपकी वीक सेल्फ इमेज है। जब भी आप कुछ नया करने के लिए जाते हो लाइफ में जो आपने पहले कभी नहीं किया, तो आपके मन में क्या आवाज आती है? नहीं होगा तुझसे, मत करना, होता है, आती है आवाज, वही आपकी वीक सेल्फ इमेज। आप खुद के बारे में इतना हार्ड होते हो कि आप अपने आप को कुछ भी नया करने से पहले रोक लेते हो कि मत कर, नहीं होगा, अंदर से ही आवाज आता है। आप अपने कंफर्ट जोन में इतना आ जाते हो, एक ट्रेडिशनल पाथ होता है जो हमारे पेरेंट्स ने, दादाजी ने दिखाया हुआ होता है कि ऐसा करना है, ट्वेल्थ करना है, उसके बाद सीधा ग्रेजुएशन करना है, कुछ लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और ये नौकरी होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे सपने अलग होते हैं, हमें वो टैलेंट रहता है जो हमें अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं बता सकते, वो ढूंढ भी नहीं सकते हमारे लिए, वो सिर्फ आपको ही पता रहता है, आपकी सेल्फ डिस्कवरी इसीलिए बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वीक मेंटल हेल्थ। खाना क्या चल गया आज के डेट में? जंक फूड, पिज्जा बर्गर सबको पसंद है, लेकिन सबको ये भी पता है कि उसका नुकसान कितना है। आपकी अगर फिजिकल फिटनेस नहीं रहेगी तो मेंटल फिटनेस ऑलरेडी विल कम डाउन, मानते हो चीज को? ऑलराइट, आपका कोई गोल ही नहीं है। जब आप बिना गोल के आगे बढ़ते चले जाते हो, बिना डायरेक्शन के, तो आप वहीं पहुंच जाते हो जहां पे आज मैं हूं। मैं हूं का मतलब है, मैंने 12th किया, बाय द वे माय फादर इज अ प्रोफेसर इन कॉलेज, नाउ ही हैज रिटायर्ड। तो 12th तक मैंने आर्ट्स किया था क्योंकि मेरा गोल था कि मैं भी अपने फादर की तरह एक प्रोफेसर बनूं। लेकिन 2003, आज से 20 साल पहले, देखना कंप्यूटर का बूम आया, नए नए कोर्सेज आए, BBA, BCA, BBM, और वो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा। मेरे को लगा कि मेरे को भी यही सब चीजें करनी चाहिए, इनको क्या पता पेरेंट्स को, फ्यूचर तो इसी में ही है, आगे टेक्नोलॉजी के साथ मैं नहीं बढ़ा तो मैं कहीं पीछे रह जाऊंगा, और मेरे सारे फ्रेंड्स भी यही सब ले रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने BCA लिया, और BCA कहां से किया मैंने? KIIT कॉलेज गुड़गांव, बादशाहपुर के पास। तो बादशाहपुर कैसा है सबको पता है, राइट? उसके बाद मेरे को लगा कि BCA में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, ये वो, कोडिंग, मेरे को मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो मेरे को लगा कि अगर मैं बातें करने में अच्छा हूं तो मेरे को ना मार्केटिंग करनी चाहिए, मेरे को MBA करना चाहिए। मैं चला के बैंगलोर MBA करने अपने दोस्तों के साथ, और साथ में ये भी सोचा फ्रीडम मिलेगा थोड़ा सा, यू नो पेरेंट्स का हमेशा प्रेशर रहता है ऐसे मत करो वैसे मत करो, अपनी लाइफ जीऊंगा। मैं चला गया बैंगलोर, मैंने MBA किया 2 साल, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, तीनों से कर लिया एक एक स्ट्रीम से। कहीं ना कहीं तो मैं सोचता था कि मैं कंप्लीट पैकेज हूँ, कोई भी कॉर्पोरेट अगर किसी अच्छे इंप्लॉइज की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वो लोग मुझे प्रायोरिटी देंगे। नौकरी अच्छी मिल भी गई, मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया 2014 में, और उस टाइम पे फ्लिपकार्ट में बूम था। बैंगलोर में जॉब लग गई, पैसे भी ठीक ठाक मिलने लग गए, 3.5 साल हो गए वहाँ पे काम करते करते। उसके बाद मुझे अमेजोन आया इंडिया में, तब अमेजोन बूम पे था, मैंने फ्लिपकार्ट छोड़ के अमेजोन में आया और पैसे मिले। लेकिन कहीं ना वो काम करते करते 10 साल कॉरपोरेट निकालने के बाद वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो मेंटल पीस नहीं थी। जब आपको ये लगेगा ना कि संडे भी आपका संडे नहीं है, जब आप ऑफिस से घर आ जाते हो तब भी आपको ऑफिस से कॉल आ रही है, यार ये विशाल ये रिपोर्ट बना के दो, ये काम करके दो, सर संडे है, अरे तो क्या हुआ,
आपका खुद का टाइम आपका खुद का नहीं रहता। फैमिली भी आपको बोलती क्या सारा दिन लैपटॉप लेके बैठे रहते, वो जब रिपोर्ट्स बनाने का टाइम रहता था तो उधर से फैमिली बोलती रहती थी कि क्या सारा दिन लैपटॉप पे रहता। वो टाइम था कि मैंने सोचा कि जो मैं हमेशा से करना चाहता था, चाहे वो साइड हसल्स की तरह, लेकिन मैं वो करूंगा। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन बिटवीन स्टूडेंट्स लाइक माई फादर डिड। नाउ माई सिस्टर इज डूइंग, शी इज अ प्रोफेसर इन DSD कॉलेज गुड़गांव, शी टीच हिंदी। ओके, तो मैं भी स्टूडेंट्स के साथ रहना पसंद करता था, लेकिन मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट अच्छा नहीं था। तो आई थॉट कि आई विल टेल यू समथिंग बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ, कि आप वो गलती ना करो जो और बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। आप अपना गोल वो बनाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। कितने लोगों ने यहाँ पे नॉन मेडिकल किसी के प्रेशर में लिया, कितने लोगों ने कॉमर्स किसी के प्रेशर में आके लिया जबकि आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपके रिलेटिव ने बोला, आपकी फैमिली ने बोला, लेकिन अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। नहीं हुआ होगा ऐसा, राइट? होता है ना ऐसा, आपने देखे होंगे एग्जाम्पल ऐसे। इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है लिमिटिंग बिलीफ्स। यार हमारे परिवार में ना कोई कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है, हम कैसे रहेंगे? ऐसे बिलीफ्स जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सक्सेस अबेंडेंस में है बार, वो किसी एक या दो इंसान के लिए नहीं है, सबके लिए है। आप कुछ भी नया करने के लिए जाओगे, सोचोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, आपका खुद की वीक सेल्फ इमेज होगी ना, तो आपको रोक देगी वहीं पे। कोई बोलेगा, आप कभी सोचा होगा आपने क्या मेरे को करोड़पति बनना है? जब भी आप ये चीजें अपने फ्रेंड को या किसी फैमिली में बता रहे, तेरे परिवार में भी हुआ है कोई करोड़पति, वो आपको वहीं रोक देंगे। और अगर आपकी वीक सेल्फ इमेज होगी ना, तो आप भी वहीं रुक जाओगे। तो लिमिटिंग बिलीफ खत्म करना है। ये लिमिटिंग बिलीफ ही हमें वीक बनाते हैं। अभी तक आप सब साथ हो, समझ आ रहा है? सीरियस बेसिस क्यों बना रखे हैं आप लोगों ने? मैं कुछ ABC तो नहीं बना रहा हूँ, अलग से अल्फा बीटा तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे? डिस्ट्रैक्शंस, कितने लोग यहाँ पे सोशल मीडिया में, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, तो टिंडर, मेरी सब लोग हैं, देखते हो यहाँ पे? एक बार रील्स जब स्क्रोल करना शुरू हो जाता है, एक घंटा कब निकल जाता है भाई साहब, पता ही नहीं लगता। होता है सर? और रील्स में क्या आता है? क्या देखते हो आप लोग रील्स में? आपको भी पता है वो कुछ वो बेनिफिशियल है, सीरियसली है बेनिफिशियल। आपसे आप एक काम कर, जब भी आपका इंस्टा देखने का मन करे, यूट्यूब पे रील्स देखने का मन करे, एक टाइम फिक्स कर, ठीक हो? पूरा बैड वेड बंदे ले बंदा ना, अच्छा लग रहा है, बोलिए तो नहीं हो रही है। आज से काम करो, जब भी आपको रील्स देखने का मन करता है, एक टाइम सेट कर लो, ये आधा घंटा ना मेरे को बर्बाद करना है, और ये आधे घंटे में मेरे को सिर्फ और सिर्फ रील्स देखनी है। टाइमर लगा दो दिन में आधा घंटा। मेरे को पता है क्या होता है, जब भी खाली बैठे ना, खाना खा के थोड़ी देर बैठे, मोबाइल चलाए, बिना मोबाइल के तो आप मतलब तो कोई भी आप लोग के नहीं, कोई भी खाली तो बैठ ही नहीं सकता। खाली बैठा तो मोबाइल हाथ में चाहिए, और मोबाइल हाथ में चाहिए तो सबसे पहले क्या खुलता है? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, रील्स, राइट? तो एक आधा घंटा फिक्स कर लो कोई भी दिन का, ये मेरा वेस्टिंग टाइम है। और सिर्फ इस आधे घंटे में आपको जितनी भी रील्स देखनी है, यूट्यूब देखना है, फेसबुक पे कॉमेंट्स, लाइक, शेयर, जो भी करना है वो करना है। और उस आधे घंटे के बाद आप पूरे दिन रील्स नहीं देखो। मेक सेंस? इट विल हेल्प यू, राइट? कंपैरिजन, कितनों के पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं? रामे के बच्चे को देखा है? होता है नंबर्स आ गए, उसने कुछ अच्छा कर लिया, कई बार होता है ऐसा कि पड़ोसी के बच्चे ने उतना अच्छा किया नहीं होता, लेकिन उसकी मम्मी आके इतना बड़ा चला के बोल देती है ना, वो घर पे आग लगा के चले जाती है। ऐसा होता है। देखो पेरेंट्स को आप लोग नहीं बदल सकते, हर किसी का पेरेंट्स आता है,
कि उसके बच्चे अच्छा करें, और सिर्फ सबसे अच्छा नहीं, सबसे ही अच्छा करें, बड़े लेवल वाला अच्छा करें, तो वो कंपैरिजन आ जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आज के बाद जब भी आपकी मदर फादर या घर में कोई बड़ा आपको बोलता है कि फलाने ने ऐसा कर दिया, तू कब करेगा, कब बड़ा बनेगा, कब हमारा नाम रोशन करेगा, अपने आप से ही बोलना कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। कछुए की खरगोश की वाले कहानी तो सबको सुनी ही होगी, राइट? कंसिस्टेंसी इज द की। जो काम आप कर रहे हो खुद से पूछो, अपने आप से बात क्या कर रहे हो आप लोग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। जब भी कुछ नेगेटिविटी आती है परिवार में, कोई आपको डांट देता है आपकी स्टडीज को लेके, आपके कुछ बिहेवियर को लेके, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अपने रूम में जाओ, शीशे के सामने खड़े होकर कहो, कोई बात नहीं, आज से गलती हुई है, बट आई एम प्रोग्रेसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं, एवरी सिंगल डे। अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स यू हैव किल्ड योर डे, आपने उस दिन का मर्डर कर दिया, आपने कुछ नहीं करा। और जरूरी नहीं है वो प्रोग्रेस सिर्फ स्टडीज को लेके हो, आप खुद के ऊपर सेल्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। आपका टाइम भी आएगा, तो मूवी है ना, अपना टाइम आएगा आएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा कि पेरेंट्स ने बोला माता पकड़ के बैठ गए, दो मिनट और रील देख ली, खत्म। ऐसा नहीं हो, अपने आप से बात क्या करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पोस्टर्स कितने घरों में अपने अपने रूम्स में लगाए, सबको अपने अपने रूम्स मिले हैं क्या पे? नहीं, दीवारें तो है ना घर में, राइट? आपका फेवरेट कोट, आपका फेवरेट कोट क्या है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? आपका, चलो ठीक है, ऐसी कोई पर्सनैलिटी, ऐसा कोई लीडर जिसको आप बहुत अप्रिशिएट करते हो? विराट कोहली को कौन कौन पसंद करता है? ओनली वन, इंडिया को बड़े तो जिताएगा वो। आप लोगों को किसी को विराट कोहली पसंद नहीं है? कौन पसंद है? रोहित शर्मा पसंद है। रोहित शर्मा कितनों को पसंद है भाई? आप लोगों को क्या पसंद है? रोनाल्डो, ओके, रोनाल्डो कितनों को पसंद है यार? चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, नरेंद्र मोदी कितनों को पसंद है? किसी को भी नहीं। शाहरुख खान, सलमान खान, आप लोगों को क्या पसंद है? स्पोर्ट्स पसंद है? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पसंद नहीं है? मूवीज भाई, पीछे आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? अच्छा ठीक है, फेसबुक पसंद है? फेसबुक, इंस्टा। मेरा कहने का मतलब समझ गया? समझा? क्या समझा? आप जो भी आपका फेवरेट लीडर है उसकी कोट्स, कोई नया ऐसा तो नहीं है फेसबुक पे हमेशा आई मीन बॉलीवुड हीरो हीरोइंस की ही फोटो आते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज पर्सनैलिटीज की अच्छी कही हुई बातों का ही कोट्स बन के आता है। वो पॉजिटिव चीजों का प्रिंट आउट लेकर अपने रूम में दीवारों पे लगा लो। जब भी आप नेगेटिव फील करते हैं, जब भी आपको ये लगता है कि मैं डिप्रेस हूं, मैं, मेरी एनर्जी उस लेवल पे नहीं है आज, पता नहीं क्यों, उन कोट्स को पढ़ो। उठते बैठते, सुबह जब उठते हो आप, सबसे पहले वो नजर कोट पे जानी चाहिए कि आप मेरे को, सक्सेस इज लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करो, ये मेरी ड्यूटी है, मेरे को सक्सेस होना ही है। ऑलराइट? शो ऑफ। बहुत सारे लोग, अभी आप 11th 12th में, यू आर नॉट अर्निंग, राइट? लेकिन बहुतों के पास अभी भी आईफोन रहता है, वो भी लेटेस्ट मॉडल। बहुत लोगों के पास जो 11th और 12th में, उनके पास क्रेडिट कार्ड रहता है जिसे वो लोग ईएमआई देते हैं। किस लिए? सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। ब्रांडेड शूज, कपड़े पहनते हैं, किस लिए? शो ऑफ करने के लिए। लेकिन वो किसके आगे शो ऑफ कर रहे हैं? अपने फ्रेंड्स के सामने। क्या उनकी स्टेज और आपकी स्टेज सेम है? उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सेम है? और शो ऑफ इन केस अगर आपकी सिचुएशन अच्छी भी है तो शो ऑफ किस लिए करना है? वो लोग आपको तारीफें देते हैं, घर लड्डू वड्डू भिजवाते हैं? नो,
ये शो ऑफ आपकी प्रोग्रेस के लिए सबसे डिजास्ट्रस है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये किसने बोला था? आप लोग पूरा फिजिक्स कॉमर्स में घुसे पड़े हो ना, बाहर की चीजों में बहुत ही कम नोटिस करते हो। और दूसरा, आपको ये भी पता है ना कि आजकल 11th और 12th के ही बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल धारवाड़ा में रहता हूँ, मैं अपने सेक्टर में बच्चों को देखता हूँ जो 11th और 12th के, उनकी पार्टियाँ कैसे होती हैं। उनकी पार्टियाँ बिना अल्कोहल के खत्म ही नहीं होती। इतने बच्चे, उनकी पार्टियों का मतलब होता है कि अल्कोहल चाहिए, ड्रग्स चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग ये सुन के कि अच्छा अल्कोहल नहीं है वो पार्टी में नहीं आते। बर्थडे क्या चाहिए, ये चाहिए। अगर आप इन सब चीजों से दूर हो जाओ और इन सब चीजों पे काम करना शुरू कर दो, आपको लगता है कि आप फिर उसके बाद वीक रहोगे? लगता है आपको? अगर आप ये सब चीजें करोगे फिर भी उसके बाद आपको लगेगा कि आप में क्या चेंज आया, और आपको चेंज खुद फील नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स ही आपको बता देंगे यार कुछ बदला लग गया। लगता है आपको ऐसा? ये सब चीजें आपकी प्रोग्रेस को रोकती है। ये सब चीजों पे काम जब शुरू कर देंगे ना हम लोग, और ये इसमें टाइम लगता है धीरे धीरे, क्योंकि एक एक टॉपिक ना ये बहुत डीप होता है, और इसके बारे में और भी बताएंगे। अच्छा, एक पिक्चर दिखा दो आपको, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? करेक्ट, इधर से उसके अंदर क्या लग रहा है? ये अपने आप को शेयर समझ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप अपने बारे में खुद कैसा फील करते हैं। कोई ऐसा आपके सामने आ गया जो आपसे थोड़ा सा फाइनेंशियली रिच है, थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो आपके सामने आ गया तो आपका ना एकदम ऐसे हो जाते हो, ऐसे ऐसे बात कर, जी हाँ, यस नो, ऐसे ऐसे बोलता है, तो सिंगल वर्ड की कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। हर रोज, एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक इन द आईज, सी योरसेल्फ एज अ ड्राइंग फॉर लर्नर्स। अपने आप को किसी से कम मत समझो। भगवान कितना मानते हो ना, भगवान ने सबको अलग अलग टैलेंट, अलग अलग स्किल्स दिए हैं। कुछ लोग मैथ्स में अच्छे हैं, कुछ लोग कॉमर्स के किसी अकाउंट्स में अच्छे होंगे, कुछ लोग फिजिक्स, किसी का अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा होगा, मानते हो? किसी का कुछ भी अच्छी नहीं होगा, उसका आर्ट्स अच्छा होगा, लिटरेचर अच्छा होगा। उस दिशा में फोकस करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे उस फोकस कर ही नहीं पाओगे अगर आप अपने आप को शेर की तरह नहीं देखते। आज से ये तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए, शेर की तरह माइंडसेट, शेर की तरह फोकस, शेर की जितना पेशेंस। अगर आप ये सब चीजें देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप बदल रहे हो। ऑलराइट, आपको मजा आ रहा है, कुछ सीख रहे हो? थैंक यू। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या चीजें जो आपकी एनर्जी को ले लेती है, और ऐसी क्या क्या चीजें जो आपको और एनर्जी देती है। ये है आपके एनर्जी टेकर्स, पीपल प्लीजिंग। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो दूसरों को खुश करने के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन उनका खुद का एक्चुअल में मन नहीं होता। वो बोलते हैं मैं ऐसा करूंगा, वो दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप प्लीजिंग पीपल। ये छोटी सी लाइफ है ना, दूसरों को खुश करने में निकल जाएगी। वो गया वो जमाना जब दूसरों को यार वो परेशान हो जाएगा, छोड़ना, मैं खुद परेशान हो जाऊंगा, बट उसका नहीं हो जाएगा। नहीं, अगर आप पीपल्स प्लीजिंग में लगे रहोगे ना, आप खुद बहुत पीछे रह जाओगे, और जिनको प्लीज करते रहोगे ना, एक टाइम आएगा वही आपको बोलेंगे ना बोलो यार, ठीक है। सेकंड, टू मच स्क्रीन टाइम, वी जस्ट डिस्कस्ड, मोबाइल्स, सोशल मीडिया, फियर, डाउट एंड स्ट्रेस। जब आप अपनी वीक सेल्फ इमेज और लिमिटिंग बिलीफ पे काम करोगे ना, तो ये चीजें चली जाएंगी। लेकिन अगर उन पे काम नहीं करोगे तो ये हमेशा एक डर बना रहता है। एग्जाम्स के टाइम पे कितनों को डर रहता है कि क्या होगा, वो जो पढ़ा है वो आएगा भी कि नहीं आएगा, कम तो नंबर नहीं रह जाएंगे, मेरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और एक जब कम नंबर आता तो एक रिश्तेदार का फोन तो आता ही, हाँ जी क्या रहा, तो उसके बाद पेरेंट्स से बोलते ले इसी से बात कर ले,
वो सब फियर्स डाउट्स और स्ट्रेस वो निकालना पड़ेगा. डिहाइड्रेशन, पानी नहीं पियो टाइम टू टाइम, डिहाइड्रेट कर दिया, कोल्ड ड्रिंक मत पिया, कोल्ड ड्रिंक इज स्लो पॉइजनिंग, कोई भी तरीके की कोल्ड ड्रिंक हो. जंक फूड, ओवरवर्किंग, नो एक्सरसाइज. कितने लोग यहाँ पे सुबह उठ के हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम कुछ भी आप करते हो, आप भी करते हो, राइट हो जाए. इधर बॉयज रनिंग करते हैं सुबह, जॉगिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा, घर की काम करते हैं सुबह उठ के, कुछ मम्मी पापा की कुछ हेल्प कराते घर के काम करते, वो भी होता है. क्या नाम है? शिवरतन के लिए बताइए. करते होंगे पर पता नहीं क्यों वो बोल नहीं रहे, लेकिन गुड. सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, बहुत टाइम के लिए जगह मत बैठो, आप खुद ही फंसी फंसी फील करने लगो. लिविंग इन द पास्ट, ऐसे कितने लोग जो पास्ट में जीते अभी भी, काश उस दिन मैंने ऐसा कर लिया होता यार, उस दिन ऐसा हो गया होता मैं ये कर देता, काश मैंने 11th में नॉन मेडिकल कर लिया होता. या अपना छोड़ो, दूसरों का ही होता है, काश विराट कोहली को बॉल पे छक्का मार दिया होता. ये काश जो होता है ना, वो आपको एक टाइम ऐसा लेके आता है कि आप भी काश नहीं रह जाते. व्हाट इफ, काश, शायद, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको निकालो अपनी लाइफ से, किक देम आउट. लिविंग माइंडलेसली वेरी इंपॉर्टेंट. कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माइंड का यूज नहीं करते, वो इन्हें उनका एक दिन पूरा फिक्स होता है, सुबह उठेंगे, खाना खा के स्कूल में आ जाएंगे, जो भी पढ़ना लिखना है, जो भी है काम लेके घर पे जाएंगे, और उसके बाद स्कूल का काम हुआ तो हुआ, फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, रात को खाना खाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उठ के फिर से वही रिपीट. माइंडलेस लाइफ. आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो, जो टाइम आपका इस काम में जा रहा है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं है. खेलने जा रहे हो, ऑब्वियसली शरीर की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है. पढ़ रहे हो, एकेडमिक्स में हेल्प मिलेगी, ओके. लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है यार जब पे कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होता. सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. और जो आपकी एनर्जी गिवर्स है, सनलाइट, सुबह सुबह की सनलाइट, जो धूप होती है, विटामिन डी जिसको बोलते हैं, राइट. नरिशिंग फूड, नरिश वाला फूड खाएंगे, प्रोसेस्ड वाला मत खाओ, पैकिंग का मत खाओ. रियल जूस कितनों को पसंद है, वो भी खा ठीक नहीं होता, थोड़ा थोड़ा गाइड करता है. फ्रेश एयर, म्यूजिक, म्यूजिक, ऐसे कितने लोग हैं जो म्यूजिक सुनते एकदम पंप अप हो जाते हैं, एकदम एनर्जी लेवल हाई चला जाता है. यस, कोई भी हो सकता है, हरियाणवी हो सकता है. आपको आपको लगता है ना कि माहौल का कितना फर्क पड़ता है जब वो जिम में गए कभी यहाँ पे. कोई मैं बताता हूँ, कोई बात, जब आप जिम में जाते हो ना, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आज मूड नहीं एक्सरसाइज करने का, बट द मोमेंट यू एंटर्ड इन द जिम, देखते हो दूसरे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है बढ़िया, पंप अप एकदम, ऐसा एनर्जी हाई चला जाता है ना कि यार लेट मी डू समथिंग, एटलीस्ट टू रैप्स, वन एक्सरसाइज दे विल डू. ये फर्क होता है एनवायरमेंट का, वो आपकी एनर्जी को एक हाई लेवल पे चले जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ना रूफ को टच करने लगता है. पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ केयर. पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब पता ही होता है, सुबह सुबह उठ के आप अपने बारे में क्या बोलते हो, आपको पता आप कितने ब्लेस्ड हो, आपके पास अच्छा घर है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास रहने को घर नहीं होता, आपने देखा झोपड़पट्टी जो बस्ती बस्ती होती है, एक ऐसा ट्राइंगल टाइप का कुछ ऐसा बेचारा बना के वहाँ पर रहता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, खाने को अच्छा खाना आप लोगों के पास, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, मोबाइल्स हैं, शूज हैं, अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन ले रहे हो आप, आपको पता है ना आप लोग कितने ब्लेस्ड हो. आप उस उन 10% में आते हो जो सारी सुख सुविधाओं से लेस है. आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ अच्छे से अच्छा देने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, राइट. तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग अफर्मेशन, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो, वो आपको एनर्जी देता है. माइंडफुलनेस, जैसा हमने यहाँ पे बात करी, और लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अभी पे रहो, अभी क्या चल रहा है. अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो देखो भाई क्या हुआ, आप कोई भी बना रही. क्या नाम आपका?